अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन बाय कोको। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे तमाम इन्ग्रीडियंट्स की डिटेल्स जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो हैं, 1 किलो हम लेंगे गोश्त, 2 से 3 अदर टमाटरों का हम पेस्ट बना लेंगे, आप टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल हम लेंगे आधा कप, दही हम लेंगे आधा कप, तली हुई प्याज हम लेंगे आधा कप, काली मिर्च हम ले लेंगे 10 से 12 अदद, मोटी इलायची हम ले लेंगे 2 अदद, लहसुन का पेस्ट हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून और अदरक हम ले लेंगे 1 टीस्पून, दालचीनी हम ले लेंगे 2 से 3 स्टिक्स, हरी मिर्च का पेस्ट या चॉप की हुई हम ले लेंगे 2 से 3 अदद और लेमन जूस हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून। ये नमक हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हम ले लेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ले लेंगे 2 टेबलस्पून। पॉट को हमने यहाँ पे प्री हीट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल और साथ ही अब खड़े गरम मसाले डालेंगे। और सबसे पहले हमने ऐड किया है मोटी इलायची, साथ ही दालचीनी और साथ में साबुत काली मिर्च। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुकी है और अब हम ऐड करने जा रहे हैं गोश्त। जी, गोश्त को हम फ्राई करते जाएंगे और इतना फ्राई करना है कि इसका पिंक कलर बिल्कुल बदल जाए। गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं मुकम्मल बदल चुका है। इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही हम ऐड करेंगे चॉप्ड सब्ज़ मिर्चें। आप पेस्ट भी ऐड, सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे तली हुई प्याज और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अभी हम फ्राइंग ही कर रहे हैं इसकी और याद रहे कि हम आंच इसकी मीडियम ही रखेंगे। थोड़ी देर बुनाई और करनी है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम मसाले जो आपको बताए थे। ये देखिए, मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और खुश धनिया और गरम मसाला। ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसे भूनते जाना है। याद रहे कि फ्लेम हमने मीडियम पर ही रखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना। जी, इसे भूनते रहना है और साथ ही हम इसमें अब ऐड कर देंगे योगर्ट। योगर्ट डालते ही हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, हिलाना है। योगर्ट का अपना पानी भी होगा और इस वक्त हमें इसे पानी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंडेड टमाटर। आप इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, सेम क्वांटिटी ही रखिएगा अगर टमाटो प्यूरी ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से फिर हम मिक्स करेंगे और थोड़ी सी भुनाई और करेंगे। अब हमने इसकी तकरीबन 7 मिनट भुनाई कर ली है टोटल में और इसमें हम अब ऐड करने जा रहे हैं पानी ताकि हमारा गोश्त गले। अब आप पानी अपने हिसाब से ऐड करेंगे, यहाँ पर तो गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। अब तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम देखते हैं गोश्त कितना गल चुका है। गोश्त को बिल्कुल ही टेंडर नहीं करना है, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, हल्का सा, ताकि इसके अंदर हम आलू की भुनाई भी कर सकें। अब ये देखिए, गोश्त नरम पड़ चुका है लेकिन इतना नहीं है कि खाया जा सके। अब हम इस वक्त आलू इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही हम आलू की भी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि आलूओं के अंदर भी मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब फ्लेम को आहिस्ता कर देना है और आलूओं को गलने के लिए 8 से 10 मिनट तक रख देना है और उसके बाद देखना है कि आलू सही तरह से गल गए हैं कि नहीं। अब
10 मिनट हो चुके हैं और आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि शोरबे की कंसिस्टेंसी क्या है। हाँ जी, हमारा सालन बिल्कुल रेडी है और इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी जुलियन कटिंग में कटी हुई अदरक, सब्ज़ मिर्चें और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देंगे। जी, अब हम इस पर लेमन जूस ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा सालन अब बिल्कुल रेडी है और हमने इसको अभी डिश आउट कर लेना है। जी, ये देखिए, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। कितना अच्छा लग रहा है आलू गोश्त का सालन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।